सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक का फुल केवाईसी ऑनलाइन कंप्लीट कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, जब तक आपका एक्सिस बैंक का फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं होता तब तक वहाँ पर आपको अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड सीआईएफ नंबर आपको नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक का फुल केवाईसी अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कंप्लीट कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, कर दो बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अभी एक साइट खोल लेना, इसमें आपको यहाँ लिखना है एक्सिस बैंक वीडियो केवाईसी। आपको लिखते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आपको सर्च करेंगे यहाँ पे थोड़ा लोडिंग रहेगा, आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आ जाएगा एक्सिस बैंक का पूरा। यहाँ पे लिखा है देखिए, यहाँ पे वीडियो केवाईसी, यहाँ पे फॉर डिजिटल एक्सिस बैंक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का आपके पास यहाँ पे साइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये लोडिंग ले रहा, आपको यहाँ थोड़ा वेटिंग करना। देखिए इस तरह का आपके पास ऑप्शन यहाँ खुल के आ जाएगा। देखिए वीडियो केवाईसी आपकी होगी तभी आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो पाएगा, नहीं जब तक आप वीडियो केवाईसी आपका नहीं होता तब तक वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ये अकाउंट केवाईसी आप 9 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक ये कर सकते हैं, इसके बाद वीडियो केवाईसी नहीं कर सकते। आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे ओपन न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरी के आपको बैंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसे एक्सिस बैंक का बैंक मिल जाएगा, एक्सिस बैंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट आपने वो खोला वो अकाउंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है वीडियो केवाईसी करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक्सिस अकाउंट, यहाँ पे मैंने अकाउंट ओपन करना, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे वेटिंग करना। आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंडीशन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको यहाँ पे अप्लाई न्यू पे क्लिक करना है। अप्लाई न्यू पे क्लिक करने आपकी ये लोकेशन में आएगा, आप इंडिया के कहाँ के रहने वाले। आपको वीडियो यहाँ पे आपको कैमरा से वीडियो केवाईसी होगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा, आपको यहाँ थोड़ा वेटिंग करना है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा वेटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे इसके खुलने के बाद। अब आपको यहाँ देखिए आपको पैन नंबर डालना, आपको आधार या वर्चुअल आईडी डालना, आपको मोबाइल नंबर डालना, डम्स को एक्सेप्ट करना, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना, आपको आई एग्री पे क्लिक करना। आपको थोड़ा यहाँ वेटिंग करना, आपको यहाँ पे लोडिंग लेगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर आपको कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करना है। पे सक्सेसफुल ये हो गया है, आपको यहाँ पे वेटिंग करना थोड़ा। इस समय अकाउंट ओपन कराएगा उसी साइट पर, फिर दोबारा से आप पहुँच गए। आपको यहाँ पे डम्स को एक्सेप्ट करना, आपको यहाँ चेक एजेंट अवेलेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे कौन सा एजेंट आपके वीडियो के वैसे करने के अवेलेबल है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कौन सा एजेंट आपको वीडियो केवाईसी करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ शो कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखा जाएगा यहाँ पे रजनी इन ये वीडियो अब यहाँ पे केवाईसी करेगा। लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे वेटिंग करना है। आपकी वीडियो केवाईसी अंकित रंजन करेंगे वो आपको यहाँ पे इसका नाम शो करा दिया जाएगा, आपको यहाँ पे वेटिंग करना है। आपके पास इस तरह का रिंग आपके पास बज के आएगा यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के लिए। आपको यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे चेक हेयर टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है। आपके वहाँ पे आपके वीडियो केवाईसी के लिए वहाँ पे चालू हो जाएंगे। आपको इसके इसमें क्लिक कर देता हूँ, आपको परमिशन में अलाउ दे दूँ। सर आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं आपको चैट कर लेता हूँ सर। यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ देखिए, हमको यहाँ पे 590 रुपये पे करने हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको ऐड इस पर क्लिक करना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा वेटिंग करना है। तो पे करने के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, कार्ड नंबर आप सी सी नंबर डाल के यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे उससे कर सकते हैं। यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई आईडी से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है यहाँ पे करने के लिए, आपकी आप किससे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफरेंट करता है। मैंने यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पेमेंट कर रहा हूँ मैं 590 रुपये। मैंने यहाँ पे पूरा चीज़ डाल दिया, पे सक्सेस पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालकर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। डालकर आपको सबमिट पे क्लिक करना है।
सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा यहाँ पे वेटिंग करना है, ये थोड़ा यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है। पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे मेरा 590 रुपये हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट नंबर मिल गया, मेरा नाम है, यहाँ पे कस्टमर आईडी मिल गया हमको। यहाँ पर 590 रुपये पे हुआ, यहाँ पे वो फंडिंग अमाउंट दिखला दिया है। ये मेरा IFSC कार्ड हुआ, ये मेरा ब्रांच यहाँ पे आपको शो करा दिया गया। ये मेरा डेबिट कार्ड का, इस तरह मेरा डेबिट कार्ड आएगा, नाम मेरा रहेगा, मेरा यहाँ पे कार्ड का नंबर लिखा रहेगा। अब यहाँ पे आपको CCV नंबर आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप ATM का पिन सेट कर सकते हैं, आपको ATM मशीन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिन सेट करने के लिए आपको सेट पिन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू पिन, यहाँ पे जो पिन रखना चाहते हैं ATM का, वो पिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सेट पिन पे क्लिक करना है, फिर कन्फर्म पिन वही डालना जो फर्स्ट में डाले थे, डन कर देना है। डन करने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा, यहाँ पे लोडिंग यहाँ पे लेने देना, ऑटोमेटिकली ये पेज पे आ जाएगा। पिन सेट हो गया, मेरे पास मैसेज भी आएगा जो मेरा पिन सेट हुआ सक्सेसफुल। आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, नाम सब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक की शो कर जाएगा। आपके मेल पर भी आ जाएगा आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर आईडी, आपके कॉल मैसेज पे आपका वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, जितना अकाउंट नंबर जो IFSC कोड जितने सब वहाँ पे शो कर जाएगा। आप यहाँ से व्यू CCV नंबर आप देख सकते हैं आपका ATM कार्ड का CCV नंबर क्या है। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।